हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। इसे बनाना बहुत आसान है और सिर्फ 5 मिनट में हम इसे बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका, और इसे आप बना के अपने फ्रिज में आराम से 15 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। लाइक आप एक बार बना के रख लीजिए और जब भी आपका पिज़्ज़ा बनाने का मन करे आप इसे निकालिए और इसका आराम से इसके साथ पिज़्ज़ा बना दीजिए। ये बहुत मल्टीटास्किंग सॉस है। आप इसके साथ पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, पास्ता भी बना सकते हैं। लाइक पास्ता जब हम रेड ग्रेवी में बनाते हैं तब हम ये सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल, जैसे डोमिनोज में हमें पिज़्ज़ा या रेड सॉस पास्ता खाने को मिलता है, इस सॉस की मदद से आप बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा या पास्ता घर पर भी बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसे कैसे बनाना है वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इसके लिए हम ले रहे हैं टमाटोज, ऑलमोस्ट हमने 5 टमाटोज लिए हैं। मेक श्योर आप ऐसे लंबे वाले टमाटो लो, जो सैलेड टमाटोज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं इसमें। और अब हमें इसे क्या करना है, इसे ब्लांच करना है। तो इसे ब्लांच करने के लिए हम क्या करेंगे, बर्तन में किसी भगोनी में पानी जो है बॉयल होने रख दिया है और इसे बॉयल होने देते हैं, एकदम अच्छे से इसमें खटकी आने देते हैं। जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है हमें क्या करना है, जस्ट टमाटो लेना है और जस्ट ज्यादा डीप नहीं करना है इसे, इसमें क्रॉस का कट करना है। आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा डीप नहीं किया है, बस स्किन पर ही किया है जिससे इसकी स्किन जो है बहुत आसानी से रिमूव हो जाए। देखिए इसी तरह सारे टमाटोज पे हमें कट कर देना है। ये देखिए डन, हमारे पानी में जो है अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपने टमाटो डाल देते हैं। बस इसे हमने ऐसे ही 30 सेकंड्स के लिए छोड़ देना है, बस फिर हमारे हम इसे बाहर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स 30 सेकंड हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आप देख सकते हैं टमाटोज ने जो है अपनी स्किन छोड़ना शुरू कर दिया है। इस टाइम पे मैं जो गैस फ्लेम है ऑफ कर देती हूँ और इस टमाटोज को बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने टमाटोज को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कैसे इसकी स्किन जो है सेपरेट होने लगी है। अब हम क्या करेंगे, मतलब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर इसकी स्किन निकालेंगे। और हमने जो कर्स लगाए थे उसकी वजह से जो स्किन है बहुत आसानी से इसके ऊपर से निकल आती है, तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ये फ्रेंड्स अभी थोड़े ठंडे हो चुके हैं, मैं इसका स्किन निकाल के दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी आसानी से इसकी स्किन जो है वो बाहर आ रही है। ये देखिए कंप्लीटली इसको बाहर निकालना है। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज मैंने इसके बिना भी बना के देखा है कि बिना ब्लांच करे हम ऐसे ही टमाटर की सॉस बना के देखते हैं, पर ट्रस्ट मी टेस्ट में बहुत डिफरेंस था, बिल्कुल डोमिनेस जैसा टेस्ट नहीं था इसका। तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसको, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है गैस। इस तरह मैं सारे टमाटोज की स्किन निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे टमाटोज की स्किन अलग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको कट करके मिक्सी में पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है या इसकी प्योरे बनाना है। तो हम इसको मिक्सी में डाल के जस्ट ऐसे 4 पीस कर दीजिए, अकॉर्डिंग मिक्सी में डाल के इसे पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एकदम फाइन प्योरे बना लिया इसकी। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक पैन लेना है उसमें ऑयल डाल देना है। आप यहाँ कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप अपने घर में यूज करते हो। मैं आज सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ इसमें। ठीक है, ऑयल हमें डालना है ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज्यादा लगता है। और जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है हम इसमें गार्लिक डालेंगे। हमारा ऑयल जो है गरम हो चुका है, अब हम इसमें गार्लिक डाल देते हैं। ऑलमोस्ट ये मैंने 6-7 गार्लिक की बल्ब्स ली हैं, इसे इसमें सौते करते हैं। देखिए हमारा गार्लिक जो है अच्छे से सौते हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पे हमने डालना है इसमें टमाटो प्योरे। और इसे कुक करेंगे, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप देख सकते हैं जो टमाटोज हैं वो ऑलरेडी ब्लांच्ड हैं, तो इसे ज्यादा पकाने की जरूरत वैसे भी नहीं है।
मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इसे बनने में। इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए ऑलमोस्ट 2-3 मिनट हो चुके हैं हमारे टमाटर। आप देख सकते हैं जो प्योरे है इसका कलर जो है एकदम चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, साथ ही हम डालेंगे मिक्स हर्ब्स, इसके साथ डालेंगे पेपरिका पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, और आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे शुगर जस्ट टू बैलेंस आउट इसकी जो खटास है उसको बैलेंस आउट करने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका। और लास्टली हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच। इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर दोनों आता है। मैं नहीं कहूंगी इसे डालना ऑप्शनल है, मैं कहूंगी इसे डालना कंपलसरी है। आप डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा, एकदम डोमिनोज स्टाइल सॉस बनके रेडी हो जाएगी हमारी जो पिज्जा सॉस या पास्ता सॉस हम जिसे कह सकते हैं। आई गेस मल्टीपर्पज यूज सॉस है, आप इसे पिज्जा में डाल सकते हैं, इसे रेड सॉस जो पास्ता सॉस होती है आप उसकी जगह भी इसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देती है। बस आप इसे कुछ नहीं करना है, एक लिड की हेल्प से इसे ढकना है और इसे बस 2 मिनट ढक के पकाना है। उसके बाद ये सॉस हमारी बनके एकदम रेडी है। लवली। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो पिज्जा सॉस है वो बनके एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है, एकदम काढ़ी पतली जैसी होनी चाहिए। कलर भी बहुत ब्यूटीफुल आया, एकदम परफेक्ट रेड। जब तक मैं इसे एक बाउल में निकालती हूँ जब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो अभी तक, और इस रेसिपी को एक लाइक दीजिए यार, इतनी झटपट 5 मिनट में पिज्जा सॉस बनाना सिखाया यार, कम ऑन। और अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो इस रेसिपी को लेके या कोई और भी मेरी रेसिपी को लेके तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।